नमस्कार, मैं हूं सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है। वहीं इन दिनों दीपिका 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में अपने जलवे बिखेर रही हैं। लगातार उनके नए नए लुक्स सामने आ रहे हैं। वहीं अब दीपिका का एक नया लुक सामने आ चुका है, जिसमें एक्ट्रेस ब्लैक आउटफिट पहने रेड कार्पेट पर जलवे बिखेर रही है। इसे दीपिका ने भी अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है। जहां ब्लैक फेदर आउटफिट में दीपिका का लुक बेहद ही क्लासी नजर आ रहा है, तो वहीं उन्होंने इस बार भी अपने आई मेकअप के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है। न्यूड लिपस्टिक के साथ बोल्ड आई मेकअप उनके लुक को कंप्लीट कर रहा है। वहीं उन्होंने इस खूबसूरत गाउन में बन बनाकर अपना हेयर डू करवाया है। बेशक दीपिका का ये बोल्ड अवतार उनके फैंस के दिलों को धड़काने का काम कर रहा है, लेकिन रेड कार्पेट से दीपिका की ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें दीपिका का आई मेकअप और उनका ओवरऑल लुक एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता नहीं दिख रहा। एक तस्वीर में दीपिका बेहद ही खूबसूरती के साथ मुस्कुराती हुई और पेपराजी को पोज देती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस दौरान दीपिका का आई मेकअप फैला हुआ सा लग रहा है और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका आई मेकअप उनके पूरे लुक को खराब कर रहा है। ये तो रही हमारी राय, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या दीपिका का ये लुक उनके बाकी लुक से ज्यादा खूबसूरत है, या इस बार भी दीपिका के आई मेकअप ने उनके ओवरऑल लुक को खराब किया है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।